सो वेलकम बैक एवरी वन इज़ डे थर्टी एंड टूडे विल भी सॉल्विंग दिस केस्टर ऑफ अ ट्री नोड सो इस क्वेश्चन में क्या है कि यू आर गिवन अ ट्री एंड तुम्हें कुछ ऐसे क्वेरीज दिए कि गेट केयथ एंड सिस्टर सो और हर क्वेरी में देर आर टू वैल्यूज़ इंट नोड एंड इन के सो सपोज तुम्हें उस नोड का केयथ एंड सिस्टर बताना है तो सपोज अगर तुम्हें फाइव दिया है एंड तुम्हें टू दिया है सो मतलब यू विल गो वन स्टेप अबव एंड देन यू विल गो अनदर स्टेप अबव दैट इज़ जीरो एंड दैट इज़ योर आंसर सो तुम्हें हर नोड का केत एंड सिस्टर बताना है ठीक है सो देर आर टू वेज़ एक तो, तो तुम ब्रूट फोर्स कर सकते हो कि एक फाइव पे आओ फिर उसके पेरेंट टू पेरेंट पेरेंट टू पेरेंट ऊपर जाते रहो बट वो हर क्वेरीज में अगर तुम जाओगे तो सपोज देर आर एम क्वेरीज़ तो तुम्हें एन इन टू एम का टाइम uh, कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगा विच वोंट पास वो तुम्हें टीयरली दे देगा सो so यहाँ पे वॉट यू हैव टू डू इज़ तुम्हें लॉग इन टाइम में उसका केत एंसेस्टर लाना पड़ेगा सो हाउ वी वुड डू दैट तो दिस होल कॉन्सेप्ट इज़ एक्चुअली अ स्टेट फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी लिफ्टिंग सो बाइनरी लिफ्टिंग भी वही करता है सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट यू वंस कि हाउ दैट ऑल लाइक पूरा एल्गोरिथम कैसे काम करता है तो so सपोज तुम्हारे ये वाला नोड है एंड तुम्हें यहाँ से सेवन स्टेप्स ऊपर जाना है तो सेवन स्टेप्स ऊपर होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो तुम ये ऐसे एंड ट्रेवर्स करके नहीं जा सकते दैट इज़ नॉट द राइट वे क्योंकि जैसा मैंने बताया वो तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर दे देगा सो बाइनरी लिफ्टिंग में क्या होता है तुम टू के पावर्स में ऊपर जाते हो एंड हाउ डू यू डू दैट मतलब अगर सेवन को हम देखें इट कैन बी रिटर्न एज टू रेज टू जीरो प्लस टू रेज टू वन प्लस टू स्क्वेयर करेक्ट सो विच इज़ बेसिकली वन प्लस टू प्लस फोर सो so, तुम क्या करोगे तुम टू के पावर्स में ऊपर जाओगे एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज़ तो तुम्हारा इफ़ आई मार्क uh, दिस लाइक like तुम्हारा फाइनल आंसर ये था राइट दिस वाज योर इवेंचुअल जो तुम्हारा एंसेस्टर था तो अभी अगर मैं इसे रिमूव करूँ ये जो हम लॉग इन वे से एक एक स्टेप ऊपर करके गए थे यू डोंट वॉन्ट टू डू दैट सो तुम क्या करोगे तुम जैसे यहाँ पे लाइक like जैसे मैंने बोला सेवन इज मेड ऑफ वन प्लस टू प्लस फोर ये टू के पावर्स है एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस राइट क्योंकि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मतलब हर नंबर का होता है ओब्वियसली सो वट यू डू यूर यहाँ पे जैसे यहाँ पे वन बोला सो यू विन स्टेप यहाँ पे देन यहाँ पे बोला टू स्टेप्स मतलब प्लस टू तो यहाँ तुम डबल जंप लोगे एंड देन यहाँ पे फोर जंप्स एंड देन तुम यहाँ पे एक वन टू सॉरी ऐसे नहीं तुम डायरेक्ट चार जंप लोगे

ठीक है आई विल चेंज माई कलर जब मैं इस पर्टिकुलर नोड में था तो तब मेरे पास वो डेटा भी होना चाहिए कि मेरे से टू रेस टू वन ऊपर कौन है क्योंकि जब मैं इस पर्टिकुलर नोड में था तुमने देखा मैंने डब लाइक like, मैंने टू स्टेप्स ऊपर गया था तो मुझे इस पर्टिकुलर नोड के लिए मेरे पास वो डेटा होना चाहिए कि मेरे पास टू स्टेप्स ऊपर कौन है सिमिलरली जब मैं इस नोड में था मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे से टू रेस टू स्क्वेयर ऊपर कौन है दैट इज़ द रियल क्वेश्चन हमें कुछ तो प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा इन सारे नोड्स में सो दैट यू हैव दी डेटा कि टूरेस्ट टू वन ऊपर कौन है टूरेस्ट टू स्क्र ऊपर कौन है ये सब हर नोड के लिए पता होना चाहिए नाउ हाउ डू यू डू दैट प्री प्रोसेसिंग ठीक है अभी देखते हैं तो सपोज मैं इस पर्टिकुलर नोड में ठीक है इस पर्टिकुलर नोड के लिए सॉल्व करते हैं तो हर पर्टिकुलर नोड के लिए ना एवरी पर्टिकुलर नोड विल हैव सम लाइक हम बेसिकली अपना प्री प्रोसेसिंग कैसे करेंगे इट इज़ समथिंग लाइक लाइक मैंने अपने कोड में क्या किया एक एनसेस्टर टू डी अरे रहेगा विच इज़ बेसिकली नोड एंड थर्टी मतलब मैंने अपने केस में थर्टी रखा है बट यू डोंट नीड थर्टी वी टू डेज टू थर्टी जम्प्स तुम्हें ऊपर कभी करने नहीं पड़ेंगे एंड वॉट ए एन सो वॉट ए एन सी ऑफ नोड ऑफ़ आई रिप्रजेंट्स कि इस पर्टिकुलर नोड का इस पर्टिकुलर नोड का अगर मैं टू रेज टू आई ऊपर जंप करूँ मेरा पेरेंट कौन होने वाला है ठीक है तो अगर मैं अभी के लिए इन नोट्स को नेम कर दूँ ठीक है सपोज दिस नोट इज नेम एज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो अगर मैं अभी बोलूँ ये जो मेरा थ्री है इससे दो ऊपर वन है दैट इज़ इससे थ्री से अगर तुम टू रेज टू वन ऊपर जंप करोगे तो तुम्हें तो नोड वन मिल रहा है यही दिख रहा है मैं यहाँ पे राइट सो इस so, ये एक्चुअल में स्टोर्ड कैसे है कि एनसेस्टर ऑफ थ्री वन दिस वन एक्चुअली रिप्रेजेंट टू रेज टू वन इज़ इक्वल्स टू वन ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा तो हमें ये फिल करना है सिमिलरली यू हैव टू फिल दिस फॉर ए एन सी थ्री जीरो से लेके यू हैव टू फिल दिस टिल जैसे मैंने ए एन सी थर्टी रखा है बट उतना कभी जाएगा नहीं क्योंकि टूरिस्ट टू थर्टी जम्प्स उतने ऊपर तुम्हें कभी करने नहीं पड़ेंगे बट जस्ट से तुम थर्टी तक ही रख रहे हो तो ये तुम्हें सबके लिए फिल करना है ठीक है इतना समझिए कि हम डेटा हर नोड का स्टोर कैसे करेंगे नाउ वंस यू हैव डन दैट ठीक है इतना समझिए स्टोर कैसे करना है बट डेटा स्ट्रक्चर समझिए बट हाउ डू यू पॉपुलेट दिस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर राइट वो वो लाइक दैट इज़ द रियल क्वेश्चन सो जस्ट बिकॉज दिस इज़ अ ट्री जब तुम अपने नोड में लाइक like, जब तुम अपने नोड में पहुंचोगे नोड फोर में दैट इज़ ए ए एन सी ऑफ फोर ऑफ ज़ीरो दिस इज़ इज़ी टू कैलकुलेट एन सी ऑफ़ फोर ऑफ़ जीरो बिकॉज दिस इज़ योर पेरेंट तुम ऑब्वियसली जब ट्री में इटरेट करोगे तुम तो अपने पेरेंट का ट्रैक रखोगे एंड वॉट दिस रिप्रेजेंट्स की फोर से अगर मैं टू रेज टू जीरो ऊपर जम्प करूँ दैट इज़ एक जम्प ऊपर करूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने पेरेंट पर ही पहुँचने वाला हूँ ठीक है इतना समझ गया कि हर नोट का इनिशलाइजेशन तो मैं ऐसे ही करना है ए एन सी ऑफ़ फ़ोर ज़ीरो पेरेंट सेट करना है ठीक है अभी ये हो गया अभी बात आती है हाउ वुड यू सेट एन सी ऑफ़ फ़ोर ऑफ वन अभी एक बार ये समझ गया तो बाकी हर चीज़ वैसे हो रही है अभी अगर तुम्हें ये देखना है कि ठीक है ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा कि फोर इसका मतलब क्या है ए एन सी ऑफ फोर ऑफ वन क्या है कि तुम फोर से टू रेज टू वन जंप कर रहे हो नाउ यू कैन ऑल्सो राइट दिस टू रेज टू वन एज़ टू इन टू टू रेज टू ज़ीरो करेक्ट राइट क्योंकि बेसिकली तुम्हें अपना पेरेंट पता है तुम्हें अपना ग्रैंड पेरेंट चाहिए सो यू बेसिकली वॉन्ट पेरेंट ऑफ योर पेरेंट तो मतलब ठीक है हाउ लाइक like, ये तुम कैसे कैलकुलेट करोगे तुम्हें फोर रेस लाइक फोर को टू रेस टू वन ऊपर जंप कराना है बट तुम्हें पता है कि तुमसे एक ऊपर कौन बट तुम्हें ये पता है कि टू रेस टू ज़ीरो ऊपर जंप करने पे क्या लाइक like, कौन मिलेगा सो so, इसका आंसर क्या होगा ए एन सी ऑफ़ फर्स्ट यू विल रीच योर टू रेस टू ज़ीरो वाला पार्ट फर्स्ट यू विल रीच देखो ये टू रेस टू ज़ीरो फर्स्ट यू विल रीच टू रेस टू ज़ीरो दैट इज़ एन सी ऑफ़ फोर ऑफ़ जीरो ठीक है बेसिकली इससे एक कम क्योंकि वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ए एन सी ऑफ फोर जीरो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तुम यहाँ वन पे थे तो तुम पहले बोलोगे ठीक है लेट मी रीच इसका हाफ क्योंकि वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो तुम टू डेज टू जीरो पहुंच गए अभी जब तुम वहां पे पहुंच गए तुम्हें उसका पेरेंट चाहिए ऑफ अगेन अ जीरो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर जब अगर जब भी कोई ऐसा जंप आ रहा है ना देखो ऐसा कोई जंप आ रहा है ये वाला जंप कैलकुलेट हो चुका है अभी ये वाला जंप कैलकुलेट करना है ये वाला जो जंप है ना ये वाला जंप दिस इज डबल ऑफ दिस जंप सो आई एम डूइंग इज़ तुम मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आ जाओ एंड यहाँ पे अगेन एक सिंगल जंप वापस ले लो बिकॉज अंदर क्या आया मेरा पेरेंट आया फोर जीरो का पेरेंट देन आई एम सेइंग नाउ गिव मी उसका पेरेंट जीरो वाला पेरेंट तो मुझे ये मिल गया अभी अगर मुझे एक और मतलब लास्ट देखते तो मैं इसमें समझ जाएगा फोर टू का क्या मतलब है कि मैं फोर पे हूँ मुझे टू रेस टू स्क्वेर जाना है विच इज़ मुझे फोर्थ जम्प ऊपर जाना है बट दिस टाइम यू हैव टू रेस टू वन तो तुम वापस क्या बोलोगे सपोज इसका एक दो तीन चार ठीक है अभी तुम बोल रहे हो कि मुझे बता मेरा ये वाला नोड कौन सा है तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है तो ये वाला नोड पहुँच क्योंकि मैंने तेले वो अभी अभी कैलकुलेट किया देन वहाँ से एक डबल जंप ले ले एंड तुम सोच रहे हो कि यहाँ से डबल जंप लेने का वो चीज़ कैलकुलेटेड कैसे है क्योंकि हमने ऊपर वाले नोट्स की चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है तो जस्ट बिकॉज ऊपर वाली चीज़ के नोट्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड तो लाइक like, तुम्हें पता है कि यहाँ पे डबल जंप लेने पे क्या आंसर आएगा सो अगेन यू रीच योर फोर एंड वन दैट इज़ तुम एक जो भी जंप तुम्हें लेना था ना तुम उसका आधा जंप कर ली तुम देखो यहाँ वन है तो यहाँ जीरो था या टू है तो यहाँ वन है तो जितना जंप तुम्हें लेना है ना पहले उसका आधा जंप ले लो एंड देन जंप तुम उस नोड पे पहुँच गए जो लाइक जो तुम्हारे फाइनल डेस्टिनेशन से हाफ में है वहाँ से वापस सेम लेवल का एक जंप ले लो वन देन यू विल रीच योर इवेंचुअल गोल इतना समझा रहा है क्योंकि जो भी नोड में तुम्हें पहुंचना है तुमने उसके जस्ट पहले उसके हाफ तक पहुंचने की चीज़ें कैलकुलेट की है तो क्यों ना वो हाफ वाला जो तुमने अभी रिसेंटली कैलकुलेट किया है वहाँ तक पहुंच जाओ देन अगेन एक डबल जंप ले लो और यहाँ से और जब तुम सपोज़ अभी तो सारा कंप्यूटेशन इस पर्टिकुलर नोड में चल रहा था राइट इस पर्टिकुलर नोड में ये जो भी नोड्स हैं ना इनके सारे कैलकुलेशन हो चुके हैं तो जब तुम इस पर्टिकुलर नोड में पहुँचे और तुम बोल रहे हो कि यहाँ पर मुझे कैसे पता चलेगा कि इससे डो ऊपर कौन है जैसे तुमने इसका यहाँ पे दो ऊपर निकाला था ना इसका दो ऊपर वैसे ही निकल चुका है ऑलरेडी तो फोर जीरो फोर वन फोर टू अभी इसका निकल रहा है फिर इसका डेटा भी आगे जाके कोई और नोड पे काम आने वाला है आई होप समझा जस्ट लाइक सिंपल है लाइक तुम्हें पेरेंट पता है देन पेरेंट का पेरेंट जाने के लिए तुम क्या करोगे लाइक like पेरेंट जाओगे देन वापस वहाँ से एक और जंप लोगे लाइक like तुम एक और जंप लोगे सिमिलरली तुमको वही चीज़ करनी है जैसे मुझे अगर इससे दो ऊपर जाना था तो मुझे पता है एक ऊपर कौन है दैन वहाँ से एक और सिंगल जंप अभी मुझे चार ऊपर जाना है तो मुझे पता है अभी मेरे से दो ऊपर कौन है फिर मुझे वहाँ से एक और डबल जंप लेना है एंड दैट्स हाउ यू कैलकुलेट ये तुम अपना पूरा ए एन सी अर वैसे फिल करोगे तो कोड वाइज भी बहुत सिंपल है लाइक गेट केत एंसटर्ड तो अभी काफ़ी ईजी हो गया ये जैसा मैंने तुम्हें ये फ्लो बताया था तुम हर बिट में ट्रेवल्स करोगे और जो भी बिट सेट है तुम उतना जंप करते रहोगे तुम वही करो जैसे मेरा करंट नोड इनिशियली नोड में ही था और तुम अज्यूम करो मैंने अभी ए कैलकुलेट कर लिया ए वाला पार्ट आई एल टेल यू थोड़ा बाद में तो अज़्यूम करो एन कैलकुलेट हो गया तो, जि, तो जितना भी के मुझे ऊपर जंप करने बोला है ना मैं हर बार चेक कर रहा हूँ इफ द केथ बिट इज़ सेट इफ इट इज़ सेट मैं उतना जंप कर दे रहा हूँ एंड इफ़ मैं करेंट नोड माइनस वन हो जाता है तो मतलब उतना ऊपर कोई है ही नहीं तो मैं माइनस वन कर दूंगा अदरवाइज़ मैं अगेन वापस उतना जंप करूँगा तो इफ़ यू कैन सी मैं अपने करेंट नोड को रीसेट करते जा रहा हूँ नॉट लाइक नॉट रीसेट मैं जंप उसको ऊपर ऊपर लेते जा रहा हूँ नाउ अभी वो फिलस्टर वाला पार्ट तो फिल सिस्टर मैंने बी एफ एस से किया यू कैन ऑल्सो डू वायर डी एफ एस तो जब भी मैं किसी भी पर्टिकुलर नोड पे था तो जब भी मैं किसी पर्टिकुलर नोड पे था व्हाट आई डिड इज़ मैं वही थर्टी तक कैलकुलेट किया इतना ही तुम्हें लिखना है इतना ही फॉर्मूला है फॉर थर्टी को लाइक like, कोई भी नोट के लगे अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है और तुम ऑब्वियसली बी एफ एस जा रहे हो तो तुम्हें पता है उसके ऊपर के चीज़ की चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेटेड है जस्ट बिकॉज उसके ऊपर कोल लाइक इट्स अ टॉप टू बॉटम अप्रोच जस्ट बिकॉज ऊपर की चीज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड है यू कैन रिलाई कि मेरा आई माइनस वन पहले वाले नोट्स के लिए ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहेगा तो तुम लाइक तुम्हें बस इतना करना है वही जो मैंने बताया यू रीच योर हाफ हाफ़ जंप यहाँ पे आई माइनस वे ना क्योंकि टू रेज टू स्क्वेयर का हम उसका हाफ जम्प पहुँचेंगे जैसे टू रेज टू स्क्वेर है तो टू रेज टू वन वाला जंप लेना है एंड देन वापस सेम लेवल का जंप लेना है बस फिर देर इज़ नथिंग एल्स और तुम पेरेंट तुम्हें सेट करते रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें ए एन सी आई टी जीरो जो मैंने बताया था बेस कंडीशन वो तुम्हें सेट करते रहना पड़ेगा पेरेंट ऑफ आई टी एंड हाँ दैट्स ऑल क्यू ट्री इज़ रूटेड एट जीरो तो यहाँ पे इसको जीरो कर दिया मैंने लाइक like मैंने इनिशियली क्यू में जीरो पुश कर दिया एंड ये क्योंकि एक डिज़ाइन क्वेश्चन था लाइक इफ़ यू सी रीसेट ठीक है छोड़ो रीसेट करके तो ये एक्चुअल में डिज़ाइन क्वेश्चन है तो मैं ट्री एंसिस्टर में इफ़ यू सी मैंने क्या वो uh, कैसे इनिशियलाइज़ किया है वॉट आई इट इज़ मैंने ए एन सी को इनिशियलाइज़ कर दिया एन सी मैंने ग्लोबली बनाया था मैंने ए एन सी को इनिशलाइज़ कर दिया एंड एड जैसेंसी लिस्ट बनाई मैंने इट ज लाइक इडजेंसी लिस्ट नहीं चाहिए था क्योंकि तो मैं एक्चुअल में पेरेंट दिया हुआ था बट ठीक है ये से लिस्ट आई मेड एंड फिर तो फिल एन कर दिया एंड गेट के एथ एंड भी तो मैं डिज़ाइन में ही पूछा था तो वो भी एक बार ए बन गया तो ये के एथ एंड लाने इज़ वेरी इजी ठीक है दैट्स ऑल कुछ डाउट हो तो पूछ लेना ओके बाय बाय